बेटा आ गया तुम्हारे, कब करी मंगनी इसकी? मेरा बस चले तो आज मैं शादी की तारीख लेने चली जाऊं। क्यों जवाब? अम्मी अभी तो मैं वापस आया हूं, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें उरूज पसंद तो है ना? हाँ, अच्छी लड़की है, लेकिन अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। बस आज ही मैं और मुख्तार साहब जाएंगे, मंगनी की तारीख लेकर आएंगे और मंगनी के ठीक एक महीने बाद शादी। क्यों मुख्तार साहब? इस बार तो मुख्तार गुलाब है, जो आप चाहेंगे वही होगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर मुझे एतराज है। तुम्हें क्या एतराज है फ्रा? मुझे उन दोनों की शादी से नहीं, इस घर में रहने से एतराज है। क्यों भाई, क्या एतराज है तुम्हें? हाँ, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। सब कुछ तो छीन लिया, अब क्या ये घर भी छीनना चाहती हो तुम? ठीक है, आप रहें यहाँ अपने बेटे और बहू के साथ, मैं सना को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। इफ्रा तुम क्यों करोगी ऐसा? क्या प्रॉब्लम है जवाद और उरूज के साथ? ताबू ये तो आप ताई अम्मी से पूछें। अरे भाई अब क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने? राशिद को मेरे खिलाफ भड़काती हैं, मुझ पे शक करती हैं, जवाद के साथ बिलावजह पता नहीं समझती कि मैं अब भी नरगिस। ये क्या सुन रहा हूँ? बच्ची को परेशान कर रही हो, घर का माहौल खराब कर रही हो तुम। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज आप गुस्सा ना करें, मुझे पता है ना आपके जाने के बाद इनकी नफरत का निशाना मैं बनूंगी। इस मसले का बस एक ही हल है, या तो जवाद इस घर में रहता है अबू, या फिर मैं, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कोई कहीं नहीं जा रहा, और तुम होश के नाखून लो, ये शक करके बच्चों की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही हो तुम? तौबा है मुख्तार साहब, आप भी सारे इल्जाम मुझ पर लगा दें, वो भी बगैर किसी सबूत के। आपको पता भी है कि इसने किया क्या है? मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मैंने जो कहना था कह दिया बस।